राजधानी भोपाल में एक सिक्योरिटी गार्ड ने सुपरवाइजर को गोली मार दी। घायल सुपरवाइजर आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान सुपरवाइजर ने दम तोड़ दिया। उसके सीने में गार्ड ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से दो गोलियां मारी थी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें गार्ड सुपरवाइजर पर गोली चलाते हुए दिखाई दे रहा है। जानकारी मिली है कि भोपाल के अरेरा हिल्स स्थित यूनियन बैंक के पास निर्माण सदन में तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने सुपरवाइजर को गोली मारी है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि ड्यूटी को लेकर हुए विवाद में गार्ड ने गोली चला दी। सुपरवाइजर गार्ड को अच्छे से ड्यूटी करने के लिए नसीहत दे रहा था, इसके बाद विवाद बढ़ा और उसने गोली ही चला दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।